नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि यूपी पीआरपीबी में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये है कि सर, काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि ये टेंडर पास हो गया, ये टेंडर पास हो गया, कांस्टेबल का हो गया, एसआई का हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया। आखिर सिर्फ टेंडर पास हुआ है या आगे भी कुछ हो रहा है? तो आज जो नोटिस आया है, इससे ये लग रहा है कि हो जो टेंडर पास हुए हैं उनमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है, तो जल्द ही आपको भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो आज जो आपके वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, ये आप नोटिस देख रहे हो, ये भी एक टेंडर ही है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी एक टेंडर ही आपके सामने देखिए खुल रहा है, ये भी एक टेंडर है और ये आज ही आया है 27 सितंबर 2023। यहां साफ साफ आपको डेट दिख रहा है, तो ये नोटिस आज की ही है और इसमें ये पता चल रहा है कि आज अगर ये नोटिस जारी किया गया, इसका मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड प्रक्रिया की नोटिस थी, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, जो सभी टेंडर निकाले गए थे, तो जो एक आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा परीक्षण होता है, इसके संदर्भ में ये टेंडर निकाला गया है कि मतलब जो भी भर्तियां होती हैं पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, उनकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है उसको कराने के लिए कंपनी के निमंत्रण दिया गया है। और देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर की जाने वाली सीधी भर्तियों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न कराए जाने के संबंध में ईओआई का आमंत्रण है। ये पूरा सब कुछ जैसे इन्होंने बोला कि जो जो इंटरेस्ट है आमंत्रित है, और वेबसाइट पर जो आपके गवर्नमेंट की यूपी पीआरबीबी की वेबसाइट है, वो 16/10 तक, मतलब ऑलमोस्ट 16 अक्टूबर तक इसकी प्रक्रिया आपको दे, मतलब जो भी आपके इच्छुक हैं, इनके मानदंड जो दिए गए हैं ईओआई में, जो भी कंपनी फॉलो कर रही है वो कराना चाहती है, तो वो अपना 16/10 तक भेज सकती है इनके जो जीमेल है उसके थ्रू। ठीक है, यहाँ वही चीज इंग्लिश में आपको दिया गया है, बाकी सब कुछ इनको जो भी चाहिए जो एक कंपनी के लिए, वो सब इन्होंने ईओआई में बता दिया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए कंपनी से रिलेटेड। तो बेसिकली ये फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है आपका, पीटी होता है आपके पुलिस भर्ती बोर्ड में, उसके लिए है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके लिए ईओआई जारी कर गया। तो इसका एक संकेत ये मिल रहा है कि जो आपके एग्जाम वाले ईओआई हैं, शायद उसमें कंपनी का अलॉटमेंट हो गया है। एक खबर भी ऐसा मिल रहा है कि कंपनी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को मिल चुकी है। जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आप आने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर में, मिड अक्टूबर से आपको, कब, 15 अक्टूबर के बाद से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर और कांस्टेबल, ये दो के सबसे ज्यादा चांस हैं। सबसे पहले अगर आपको हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की बात किया जाए और यहां कांस्टेबल की बात किया जाए, इनके सबसे पहले आने के प्रबल संभावना है। तो जो बच्चे कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, कमर कस लीजिए, हो सकता है कि अक्टूबर में आपको ये खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि ये अब पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए टेंडर निकाला गया है, तो चांसेस बन रहे हैं कि अब ज्यादा लेट ना। और इससे पहले कल एक आपका हम बात करें, योगी जी ने बोला था कि जितने भी विभिन्न आपके विभाग हैं उनकी भर्तियां जल्द से जल्द कराई जाएं, तो उन पे ये देखा जाए, तो हो सकता है कि आपका ये नोटिफिकेशन जो है अगले माह तक, मतलब 15 अक्टूबर के बाद आपको देखने के मिल जाए। ऐसा ये भी खबर आ रहा है कि ऑलमोस्ट कंपनी फाइनल के कगार पे है। एक पूरा पूरा मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके तहत मैं ये बता सकता हूँ, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के विभिन्न एग्जामों की तैयारी करना है, वो परीक्षा प्लस के द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है, वर्दी बैच। ये वर्दी बैच अभी ऑफर में चल रहा है, बाकी नोटिफिकेशन के बाद आपके अलग अलग जो आपकी भर्तियां आएंगी, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो एक कॉमन पार्ट होता है सभी भर्तियों में, वो बैच आपके यहां पर 499 रुपये मात्र ऑफर प्राइस में।
ये 1 तारीख से इसमें जो आपके बैचेस हैं प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 1 अक्टूबर से। और जैसे किसी बैच का नोटिफिकेशन आता है वो टारगेट बैच अलग चलेगा, तो जो बच्चे इस वर्दी बैच में एडमिशन लिए रहेंगे उनको उस बैच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी ये ऑफर प्राइस है, जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे ऑलरेडी जो पहले से बैचेस चल रहे हैं और जो फिनिश हो चुके हैं वो आपके कांस्टेबल का हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बैच हमने एक पढ़ा दिया है, खत्म हो चुका है, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद आपको देखने का मिलेगा। SI का भी बैच कॉम्बो चल रहा था, ये भी फिनिश हो चुका है आपका। तो मैक्सिमम आप रेडियो ऑपरेटर ये एग्जाम जैसे ही कंपनी फाइनल होगी तो पहला काम तो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा, और भर्ती में जो आपके नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर के आने की सबसे प्रबल संभावना दिख रही है। कोई भी और भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो आपके, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो जरूर हम आपके सामने आएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।